हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेन में लगे एसी कैसे काम करती है और उसे सप्लाई कहां से मिलती है। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, कोई भी एसी, चाहे वह ट्रेन की एसी हो या घर की एसी, सबकी वर्किंग प्रिंसिपल सेम होती है। सारे एसी रेफ्रिजरेशन साइकिल पर वर्क करते हैं। दोस्तों, एसी की वर्किंग को एक सिंपल तरीके से समझने के लिए इस ड्राइंग को देखिए। यहाँ पर एक मान लीजिए एक बोतल है, इस बोतल में हम चिल्ड पानी को भर कर रखे हैं। अगर आप इस तरह से एक बोतल में चिल्ड पानी को भर कर रखेंगे तो उसके साइड साइड में जो है ओस की बूंदें कुछ आ जाती है। अगर इस चिल्ड पानी पर इधर से एक फैन की मदद से या किसी ब्लोअर या फैन से जब उस पर हवा डालेंगे तो यहाँ से इस बोतल से होते हुए जो हवा मिलेगी हमको वो पूरी तरह से कूल एयर मिलेगी, बिल्कुल ठंडी हवा मिलेगी, क्योंकि ये ठंडे पानी से होकर जा रही है। और ये जो बाहर ओस की बूंदें हैं कुछ देर बाद पानी बनकर नीचे गिरने लगेंगे। सेम प्रोसेस एसी में इसी तरह से होता है। जो आप बाहर एसी के बाहर जो पानी गिरते देखते हैं वो इसी तरह से पानी यहाँ पर गिरते हैं, उसके जो इवेपोरेटर होता है उसके ऊपर इस तरह से कूलिंग के कारण जो है पानी गिरने लगता है। अब हम ये आप यहाँ से समझ गए कि एसी कैसे, मतलब सिंपल तरीके से कैसे काम कर रही है। अब एसी की पूरी फंक्शन को समझने के लिए हम आगे बताते हैं उसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं जिसके कारण ये पूरी प्रोसेस होती है। दोस्तों, इस इमेज में देखिए यहाँ पर एसी के पूरे जो है कंपोनेंट को दिखाए गए हैं। इसमें जो है मेनली चार कंपोनेंट होते हैं। पहला है इवेपोरेटर, दूसरा है कंप्रेसर, तीसरा है कंडेंसर और चौथा है फिल्टर या एक्सपोनेंशियल डिवाइस। मतलब यहाँ पे ये चार कंपोनेंट पूरी तरह एसी इसी पे वर्क करती है। अब देखिए सिंपल से तरीके, एक एक बारी बारी से जो है एक एक कंपोनेंट के बारे में समझते हैं कि ये कैसे काम कर रही है। ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर का मेन फंक्शन होता है ये जो है पूरे फंक्शन में जो है गैस के फ्लो को सर्कुलेट करना और ये गैस जो है इसके बीच के टेम्परेचर को डिफरेंस करना, मतलब कि टेम्परेचर जो है इसके बीच हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर बनाना। ये कैसे काम करता है, यहाँ से ये जो इवेपोरेटर है इसमें जो ये गैस होती है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो लो प्रेशर लो टेम्परेचर की जो है वेपर फॉर्म में होती है। ये जो है यहाँ पे ये पिस्टन देख रहे हैं, ये पिस्टन जो है शाफ्ट से कनेक्ट रहते हैं और ये मोटर से मूव करते हैं। ये पिस्टन जब नीचे आएगी तो इसके बीच में जो है वैक्यूम क्रिएट होगा। वैक्यूम क्रिएट होने से इसका जो वाल्व है ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ से लो प्रेशर लो टेम्परेचर के जो वेपर जो यहाँ पे गैस है इसके अंदर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद जब ये पिस्टन जो है ऊपर की ओर जाएगी तो ऊपर के जाने के बाद ये जो गैस है कंप्रेस होंगे, कंप्रेस होने से उनका टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा होने से ये जब कंप्रेस करने से ये वाला वाल्व जो है ओपन हो जाएगा, ये तो क्लोज हो जाएगा लेकिन ये वाला वाल्व जो है ओपन हो जाएगा। जब यहाँ से वाल्व ओपन होने से, चूंकि इस जो है गैस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जब यहाँ से निकल कर बाहर ये कंडेंसर में आते हैं तो बाहर का टेम्परेचर ये जो ये वाले गैस है इसका बहुत ज़्यादा होता है बाहर के टेम्परेचर से। तो जब यहाँ पे आते हैं तो ये अपनी गर्मी को रिलीज करते हैं बाहर। तो आपने देखा होगा कि जो बाहर आपके जो एग्जास्ट होते हैं, जो एसी के बाहर आउटडोर होते हैं, वो जो गर्मी निकलती है इसी तरह से निकलती है, क्योंकि उसके टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होते हैं और वो अपने टेम्परेचर को एनवायरमेंट में छोड़ते हैं। क्योंकि इसके बीच जब ये टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो होता क्या है कि ये जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं टेम्परेचर के डिफरेंस होने से। तो यहाँ से ये आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर का है ये पूरी तरह से हॉट जो है यहाँ पे ये गैस है, और ये जब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो ये रेड में दिखाया गया है। तो ये अब यहाँ से लिक्विड वाले जो गैस हैं, मतलब लिक्विड प्रॉपर्टीज के जिनका टेम्परेचर ये जो है प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ये होते हुए यहाँ से फिल्टर में आते हैं। फिल्टर में आने के बाद क्या काम होता है कि यहाँ पे इनके मॉइस्चर को कम किया जाता है, और मॉइस्चर कम करने से यहाँ पे एक्सपोनेंशियल जो डिवाइस लगे हुए हैं इससे इनके जो है प्रेशर को लो किया जाता है और इनके टेम्परेचर को लो किया जाता है। तो ये जो लोड यहाँ से यहाँ पर पतली नली होती है इससे होते हुए जब वो गैस जाते हैं तो उनका लो प्रेशर और लो टेम्परेचर और एक लिक्विड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ से होते हुए ये इवेपोरेटर में जाते हैं। इवेपोरेटर में आने पर उनका चूंकि ये जो है प्रेशर लो और टेम्परेचर लो होता है तो ये बाहर की गर्मी को क्या करते हैं ऑब्जॉर्ब करते हैं, और बाहर की गर्मी को ऑब्जॉर्ब करने के बाद हमें कूलिंग इफेक्ट मिलती है। या फिर यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये इतने कूल होते हैं कि यहाँ पर इवेपोरेटर में आने पर कि ये जो है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। चूंकि इसकी ठंडक यहाँ पर इवेपोरेटर में आने में इतनी ज़्यादा होती है
अगर हम यहाँ पर एक फैन को लगा दें तो उस ठंडी से हमको यहाँ से कूल एयर मिलेगी, और कूल एयर फिर आने के बाद वही प्रोसेस यहाँ पे दोबारा ऐसे चलती रहती है। इस तरह से ये जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है ऐसे पूरी होती रहती है और यहाँ से हमको ठंडी हवा मिलती रहती है। अब आप समझ गए होंगे कि एक एसी किस तरह से काम करता है। इन सारे सिस्टम को कोच के ऊपर रूफ पर लगाया जाता है और वहां से डक्ट लाइन से कूल एयर को कोच में भेजा जाता है। अब आप एसी की वर्किंग प्रिंसिपल को तो समझ गए, अब बात करते हैं इसे चलाने के लिए सप्लाई कैसे दी जाती है। कोच में एसी की सप्लाई के लिए इंडियन रेलवे में तीन टेक्निक यूज की जाती है। पहला है सेल्फ पावर जनरेशन, जिसमें कि कोच के नीचे व्हील से 25 किलोवाट के अल्टरनेटर बेल्ट के द्वारा जुड़े होते हैं, जो कि ट्रेन के चलने से ट्रेन की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। ये अल्टरनेटर 440 वोल्ट के 3 फेज की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिसे कोच के नीचे लगे 110 वोल्ट की बैटरी को चार्ज किया जाता है और इसी 440 वोल्ट से एसी को चलाया जाता है। जब ट्रेन रुकी रहती है उस टाइम बैटरी के 110 वोल्ट की एसी को 440 में कन्वर्ट करके एसी को चलाया जाता है। दोस्तों यह प्रोसेस आईसीएफ कोच में फॉलो की जाती है, लेकिन एलएचबी कोच पर जो कि फुली एसी कोच होते हैं उनमें बहुत सारे एसी होते हैं, अतः ये अल्टरनेटर उतने एसी को चलाने में सफिशियंट नहीं है। ऐसे ट्रेनों के इंड पर एक एक जनरेटर कार लगाए जाते हैं, जिसे इंड ऑफ जनरेशन टेक्निक बोला जाता है। इस जनरेटर कार में लगा जनरेटर 750 केवीए का होता है, जो कि 3 फेज 750 वोल्ट एसी पावर जनरेट करता है। फिर उसे स्टेप डाउन करके 415 वोल्ट किया जाता है और उससे एसी को चलाया जाता है, और 110 वोल्ट को पूरे जो है लाइट और फैन को चलाया जाता है। दोस्तों ये जो दो जनरेटर कार का यूज जनरेटर के लोड को कम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि उनकी कैपेसिटी 18 कोच के एसी को चलाने की होती है, लेकिन मैक्सिमम एफिशिएंसी 12 कोच की ही है, इसलिए दो जनरेटर कार को लगाया जाता है। दोस्तों यह वही जनरेटर कार होता है जिसे आप शादियों या किसी बड़े होटल या मॉल के बाहर देखते हैं। तीसरी और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वह है हेड ऑफ जनरेशन, जिसमें लोकोमोटिव के पेंटोग्राफ ओएचई से डायरेक्ट पावर की सप्लाई को लेकर उसे 440 वोल्ट में स्टेप डाउन करके कोच में लगे एसी और लाइट फैन को दिया जाता है, जो कि अभी कुछ राजधानी ट्रेनों में ही पॉसिबल हुआ है। सबसे अच्छा तरीका एचओजी ही है, इसलिए इसे आगे चलकर सभी ट्रेनों में अप्लाई की जाएगी। दोस्तों इस तरह से इस वीडियो में आपने ट्रेन में लगे एसी की वर्किंग और उसके सारे फंक्शन के बारे में जाना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।